वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट, सो टेक आउट योर कंप्यूटर कॉपी फॉर द कंप्लीटेड रिवीजन वर्क 6 and 7. ओके स्टूडेंट, फर्स्टली वी विल सी रिवीजन वर्क 6. दिस इज अ रिवीजन वर्क 6. डिफाइन दीज टर्म्स. फर्स्ट वेब पेज. बच्चों यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हैं जिसे आपको डिफाइन करना है. जैसे फर्स्ट है वेब पेज. वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन दैट इज सुटेबल फॉर वर्ल्ड वाइड वेब. इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ ए वेबसाइट. सेकेंड हार्डवेयर. हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच. एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड CPU एक्सेट्रा. नंबर थर्ड इज स्टेटस बार. स्टेटस बार डिस्प्लेज करंट स्लाइड नंबर, व्यू बटन्स, स्पेल चेक एंड टोटल नंबर ऑफ स्लाइड. नंबर फोर होम पेज. द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज नोन एज होम पेज ऑफ ए वेबसाइट. ओके स्टूडेंट, आपको रिवीजन 6 में 4 टर्म्स को डिफाइन करना है. आप इसे अच्छे से राइट करेंगे और लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ विल वी सी रिवीजन वर्क 7. दिस इज अ रिवीजन वर्क 7. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चों रिवीजन 7 में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करने हैं. यहाँ पर ओनली क्वेश्चंस दिए हैं आपको. ये क्वेश्चन जो दिए हैं बच्चों, आपको अपनी कॉपी में मार्क करने हैं, वहीं से लर्न करना है. आपको इसे रिवीजन 7 में अगेन नहीं लिखना है. ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड. सेकेंड डिफाइन एल्गोरिदम. थर्ड डिफाइन अ फ्लो चार्ट. नंबर फोर हाउ मेनी शेप्स आर यूज इन मेकिंग अ फ्लो चार्ट. फाइव What do you mean by alignment? 6. What is an internet? 7. What is MS PowerPoint? And last is define presentation. Okay student, एक बार फिर से रिपीट करते हैं. यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आपने, जहाँ जिस लेसन में इसे लिखा वहीं पे मार्क करेंगे और वहीं से लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट, आई होप बच्चों आपको रिविजन 6 और 7 समझ में आया होगा. ओके, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में पूछेंगे. ओके, थैंक यू.